वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, दिस इज योर एजुकेटर अनिल कुमार वर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल जो है बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है प्लांट फिजियोलॉजी में, बिकॉज इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड इट आल्सो हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्लांट जो है ना वाटर सॉयल से लेता है और न्यूट्रिएंट्स को भी सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड बेसिक थिंग्स। तो हम पहले कुछ चीज़ों को जानते हैं, फिर मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स द वाटर पोटेंशियल के मेन मुद्दे पे। तो सबसे पहला जो चीज़ जाननी चाहिए वो सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो डिजॉल्व होती है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व की जाती है, फॉर एग्जांपल वाटर। और सॉल्यूट का अगर मोटा मोटी एग्जांपल लें दैट इज NaCl। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्यूट मॉलिक्यूल, कौन सा सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। अगर हम ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड केस ऑफ डिफ्यूजन, और इसमें जो मूवमेंट होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर होता है। लेकिन इसके बीच पर मेम्ब्रेन काम करती है, दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो केवल और केवल अलाउ करती है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मोमेंट, किसके मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मोमेंट को अलाउ करती है। ठीक है, सपोज दिस इज अ सेल ए एंड दिस इज अ सेल बी। इन सेल ए वाटर कंसेंट्रेशन इज टू हाई, वाटर कंसेंट्रेशन इज टू हाई इन कंपेयर टू बी। बी में क्या है, कंसेंट्रेशन बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स का है। तो जो मोमेंट होगा अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो मोमेंट होगा फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल होता क्या है, अ पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू डू सम वर्क। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। और इसको जो डिनोट करते हैं वो साई से डिनोट करते हैं, इट इज अ ग्रीक वर्ड, और इसका जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। जो वाटर पोटेंशियल का जो मोमेंट होता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल है, एक सबसे बड़ी चीज है जो कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीज है, दैट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। सपोज देर आर टू सेल्स ए एंड बी, दो सेल्स हैं। इसमें क्या है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl। एंड और इन सेल बी 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो वाटर पोटेंशियल किसका, तो पहले हम सेल ए के बारे में बात करते हैं। ए में देखते हैं कि जो 10 पे 6 है, मतलब 10/6 रेशियो है, ठीक है, मतलब जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं वो बाइंड कर जाएंगे या कंबाइन कर जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में होंगे। इन केस ऑफ हेयर इन सेल बी 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट के हैं और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट के हैं, तो मतलब 10 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्या हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे टू दी सॉल्यूट के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स के, और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो देखो जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा हैं, दैट इज इन सेल बी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द
द फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंडिकेट्स द पोटेंशियल ऑफ वाटर. तो हायर वाटर पोटेंशियल किसका है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज इन बी. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा इन कंपेयर टू ए. अगर हम एक एग्जाम्पल लें प्लांट का, प्लांट में हमेशा जो मोमेंट होता है वाटर का वो ऑलवेज कैसा होता है, अपवर्ड होता है, अपवर्ड मोमेंट होता है. क्यों होता है, कभी हम लोगों ने सोचा है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट्स और पार्ट में, ठीक है. क्यों, सॉइल में क्या होता है, सॉइल में हमेशा इनरिच ऑफ वाटर होता है, एनरिचमेंट होता है वाटर का, वाटर का कंटेंट हमेशा सॉइल में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू प्लांट, ठीक है. अब क्या है, रूट का अगर सपोज रूट का अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता सॉइल से तो क्या होता, तो कभी मूवमेंट ही नहीं हो पाता, बिकॉज हमने डेफिनेशन में तो यही पढ़ा था या कॉन्सेप्ट में हमने वाटर पोटेंशियल के तो यही पढ़ा था ना कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, यही पढ़ के आए. तो यहाँ पे थ्योरी फेल हो जाती, तो हमेशा जो सॉयल का वाटर पोटेंशियल जीरो के आसपास ही रहता है, ठीक है. फिर रूट का होता है, देन स्टेम का, देन लीव्स का, और सबसे कम होता है एरियल पार्ट्स और टॉप पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का. क्यों होता है, बिकॉज देर इज द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ लीव्स, और लीव्स का प्रेजेंस होता है दैट आर डायरेक्टली एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट में खुली रहती है, जिससे क्या होता है इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है. इस लॉस ऑफ वाटर को हम लोग ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है. जब वाटर का लॉस हो रहा है तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो मतलब वाटर पोटेंशियल भी कम होगा. इसीलिए प्लांट्स का जो मूवमेंट अपवर्ड होता है फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. अब हम कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे दो मेन कॉम्पोनेंट हैं, दैट इज अ प्रेशर पोटेंशियल एंड अ सॉल्यूट पोटेंशियल. तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वाइल सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. क्यों होता है, देखो समझो, सपोज दिस इज अ बीकर और ये क्या है, दीज आर द रेड डॉट्स आर इंडिकेटिंग H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को कर रहे हैं, और ये जो ब्लू डॉट है ये क्या कर रहे हैं, ये सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं. तो सॉल्यूट क्या कर रहा है, हमेशा जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तभी सॉल्यूट पोटेंशियल के वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लोअरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. अब सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू ICRT. I इंडिकेट्स आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट, सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आर प्रेशर कॉन्सेंट, दैट इज ऑलवेज फिक्स, हमेशा ही फिक्स रहता है, टेम्परेचर इन कैल्विन. समझने के बाद अगर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दिस क्वेश्चन सेज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सुगर सॉल्यूशन इज एन ओपन बीकर हैज बीन डिटरमाइंड टू बी 0.2 mM, कैलकुलेट द सॉल्यूट पोटेंशियल. तो सबसे पहले सॉल्यूट पोटेंशियल हमें निकालना है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, ICRT. आई क्या, आयोनाइजेशन सुगर का तो होगा नहीं, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 रख देते हैं. इसका जो ये कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज 0.2, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, और टेम्परेचर कैल्विन में है तो 22 प्लस 2 73 को ऐड कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द सॉल्यूट पोटेंशियल. दूसरा क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल पोटेंशियल, मतलब ये वाटर पोटेंशियल के बारे में पूछ रहे हैं. तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल चूंकि ये ओपन बीकर है, तो ओपन बीकर है, ओपन बीकर में जो प्रेशर पोटेंशियल विल बी जीरो होगा, प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी जीरो, ठीक है. तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल, तो दिस विल बी द आंसर. जो भी सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू आएगा दैट विल इक्वल टू वाटर पोटेंशियल, ठीक है. आई होप कि सबको समझ आया होगा. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.